केक काने आया था, किरण रिजिजू का, पेमा कंडो का, तपीर गांव का, नाबम रेबिया जी का मैं केक काने आया। और मैं ये जो केक कह रहा है, ये जो किरण रिजिजू का केक है, और किरण रिजिजू मेरा फेवरेट है, और हमने ही लीडर बनाया था, हमने ही वोटिंग करके मारा था। लेकिन आज आपको हम पेपर बेचने के लिए हम नहीं बनाया था MP। डबल इंजन का मतलब होता है, आम जनता लोग कोई लोग कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं, सेंट्रल में भी BJP है, यह स्टेट में भी BJP है। इसमें से एक ऐसा बड़ा व्यक्ति नेता है जो कि किरण रिजिजू है, हमारा यहाँ का पेपर सेलिंग इशू को रिजोल्व किया जा सकता है। आज CBI भेजा अरुणाचल प्रदेश में, ED भेजा अरुणाचल प्रदेश में, SIC है यहाँ में, SIT है स्टेट का अंडर में, लेकिन वो सब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है पूरा फेलोर हो गया। उसका कारण है पेमा कंदू एंड किरण रिजिजू। नमस्कार, आज पेन जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी द्वारा ब्लैक डे मनाया जा रहा है, तो आज के एजेंडा में पुस्तक जलाओ आंदोलन और साथ ही साथ केक कटिंग सेरेमनी रहा। तो आज हमारे साथ है पॉल जी, जो कि 10 मेंबर कमेटी में से एक मेंबर है, जो CM के साथ बैठक में थे। तो आज हम जानेंगे कि वो आज यहाँ क्या करने आए हैं। केक काने आया था, किरण रिजिजू का, पेमा कंडू का, तपीर गांव का, नाबम रेबिया जी का मैं केक काने आया, इसलिए कह रहा हूँ कि PJSC जो है आज सस्ती विधायक एंड इंक्लूडिंग 3 MPs उन लोग के लिए पेपर बेचने में कामयाब होने के कारण उन लोग ने केक यहाँ में रखा गया है। और मैं ये जो केक कह रहा है, ये जो किरण रिजिजू का केक है, और किरण रिजिजू मेरा फेवरेट है, और हमने ही लीडर बनाया था, हमने ही वोटिंग करके मारा था। लेकिन आज आपको हम पेपर बेचने के लिए हम नहीं बनाया था MP। यहाँ लोगों के दुख दर्द को आवाज़ उतारने देने के लिए मैंने आपको सपोर्ट किया था, तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मैं किरण रिजिजू का केक कर रहा, क्योंकि उन लोग ने डबल इंजन सरकार का नाम ले लेके, डबल इंजन का मतलब होता है, आम जनता लोग कोई लोग कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं, सेंट्रल में भी BJP है, यह स्टेट में भी BJP है। इसमें से एक ऐसा बड़ा व्यक्ति नेता है जो कि किरण रिजिजू है, हमारा यहाँ का पेपर सेलिंग इशू को रिजोल्व किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत अनदेखा किया, तो इसलिए हम लोग आज CBI भेजा अरुणाचल प्रदेश में, ED भेजा अरुणाचल प्रदेश में, SIC है यहाँ में, SIT है स्टेट का अंडर में, लेकिन वो सब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है पूरा फेलोर हो गया। उसका कारण है पेमा कंदू एंड किरण रिजिजू। इसलिए हम लोग आज आप लोग के लिए हम लोग केक यहाँ में लेके आया है, मुबारक हो। और अरुणाचल प्रदेश के आम जनता और यहाँ के युवा और कल आने वाले पीढ़ी के लिए भी ये बड़ा मैसेज जाना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में जिसका पास में 40 लेक्स 30 लेक्स होता है वही नौकरी मिलेगा बोल के आज से चला जाएगा मैसेज जो। इसलिए यहाँ के जितना जो ईमानदार लोग हैं और जिसके जिन लोगों ने पेपर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और जिसका पास में जो मकई बिक्री करता है ना, सब्जी बिक्री करता है, उन लोग जो है 30 लेक्स जो नहीं कमा पाने वाला लोग है, वो आज पुस्तक बुक्स जलाना जो शुरू कर देगा, वो क्योंकि पढ़ के पैदा नहीं है ना, क्योंकि उन लोग ने पेपर बिक्री करने में और जितना जो एग्जामिनेशन हुआ है पूरा बिक्री करने में उन लोग सफलता रहा, क्योंकि उसका जो उम्मीद है, उसका जो सिस्टम को चलाता है वही है MP विधायक, उन लोग ही सिस्टम को चलाता, उन लोग ही पिलर है, तो अभी कौन आवाज़ उठाएगा।
इसलिए अभी अंत में यही बचा है कि पुस्तक जलाओ, यानी कि अभी से किताब को जला देना चाहिए। पर क्या फ़ायदा है ना? जो क्लास 7-8 पढ़ाई करने वाला अभी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट खरीद के भी उन लोगों का नेतृत्व में नौकरी मिलेगा, इसलिए जिसका विधायक का फैमिली है वही अभी से नौकरी मिलना शुरू होगा। लेकिन ये हिस्ट्री रहेगा किरण रिजिजू का नेतृत्व में ही हुआ है और पेमा खांडू का लीडरशिप का अंडर में ही हुआ है कि पेपर सेलिंग जो है वो दोनों का लीडरशिप शुरू हुआ है बोल के आज से मैसेज जाना चाहिए। और जो ये मैं काला रिबन जो बन के रखा हुआ है, हमारा एक ही बनने का मकसद है कि मैं स्टेटहुड देखो आज से मैं बायकॉट करता हूँ, और ये 20 में भी मैं बायकॉट करूँगा। बायकॉट इसलिए करूँगा कि जब स्टेट का सिस्टम ही ठीक नहीं है तो मैं स्टेटहुड बना के क्या फायदा है। जो लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलता है ना, लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन बोलता है, वो है अरुणाचल प्रदेश को दर्शाता है। वो जो है आज सिस्टम ही ठीक नहीं है, अरुणाचल का सिस्टम फेलियर है, तो मैं स्टेटहुड डे को क्यों मनाएगा था ऊपर? मैं बिल्कुल नहीं मनाएगा। और आप लोग हमारा मैसेज को जो सुनता है वो भी सीखने से आप लोग चलो अरुणाचल के लिए एक पल के लिए सोचता है, या तो एक मिनट के लिए भी आप समय निकल के ये वीडियो को देखिए कि आपका इंटरनली दिल से आप सोच कर देखो कि हमें क्या करना चाहिए, तभी जाके अरुणाचल स्टेट को हम लोग को बायकॉट करना चाहिए। जैसे कि सीएम पेमा खांडू जी ने कहा था कि वो सारा डिमांड फुलफिल कर चुके हैं, फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि फुलफिल नहीं हुआ है? वो बकवास करते रहता है, उसका बकवास को सारा दुनिया देख रहा है, हम सिर्फ नहीं है, पूरा एस्पिरेंट टीम ने एक एक पॉइंट जिक्र करके इतना इतना पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपके लिए ठीक नहीं है। और यहाँ में अरुणाचल पेन जोन स्टेयरिंग कमेटी ने ये भी कहा है कि अगर आपने पुल फिल किया है तो हमारा जो डिमांड का हिसाब से हम लोग चलो राउंड टेबल बैठते हैं उसको भी बगते हैं। तो जब बग रहा है तो तभी आप लोगों को पता चलना चाहिए, और खासकर आप लोग मीडिया लोगों को तो और भी पता चलना चाहिए कि सच में हुआ है कि नहीं हुआ। वो तो अब हमको पूछने का सवाल है ही नहीं, बिल्कुल पिलर है, बिल्कुल नहीं हुआ है, एकदम बकवास इंसान है, वो आदमी मर जाना चाहिए, पेमा खांडू जैसे इंसान मरना चाहिए, मरना इसलिए चाहिए। देखो अभी अरुणाचल में बहुत सा सारा एक प्रॉब्लम है कि अभी 29 जनवरी में पेमा खांडू के ऊपर CBI डाला गया था कि CBI अरुणाचल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश उन लोग को 4 वीक का समय दिया है, 4 सप्ताह का समय दिया है कि पेमा खांडू रिंचिन ड्रामा जो है पेमा खांडू का सेकेंड वेव उसका माँ है, दर्जी खांडू का सेकेंड बीबी है, और उसी के साथ उसका सिरिंग तासी जो है पेमा खांडू का भाई है, उसका खिलाफ में उसका परिवार के जितना जो गोतालों को लेकर 4 वीक में जमा करने के लिए बोला, कोई MLA आवाज़ नहीं उठा पाया ना, सब पैसा में डूबा हुआ अरुणाचल प्रदेश, सब पैसा में बिका हुआ है, बिल्कुल नहीं होगा ये लोग। जैसे कि अभी जो कमीशन है अभी ही गठन हुआ है, कुछ महीना भी नहीं हुआ है, दो तीन महीना ही चल रहा है, एक महीना ही समझ लो, तो फिर आप लोग उन लोगों को टाइम क्यों नहीं देते, क्योंकि उन लोग टाइम से काम कर पाएगा? तो टाइम देके क्या करेगा, अभी पेपर फ्रीली बिक्री करो, हाँ हम तो यही बोलेगा, और बेचो, बेच के करो, जब तक पेमा खांडू नहीं मरेगा बेचते रहो पेपर को, जब तक किरण रिजिजू नहीं मरेगा पेपर बेचते रहो। पेपर इसलिए बेचो बोल रहे कि हमारा पब्लिक लोग भी तो सड़क में उतरता नहीं, हमने तारती देश जेल बेता तारती देश, तो पब्लिक नहीं उतर है तो हम क्या करेगा? अभी जाके लीडर तो लड़ना पड़ेगा सिस्टम में घुसने के लिए, एक ही चारा बचा है और हमारा पास चारा नहीं है। धरना किया, रैली किया, बंद कॉल किया, बहुत सा सारा धरना किया, हंगर स्ट्राइक किया, बिल्कुल नहीं हुआ। और कमीशन को अभी ऐसे करके गठन करने का बाद में क्या काम करेगा, वही से भी सिस्टम और भी गड़बड़ काम करेगा। अभी कमीशन आप 1000 बार गठन करो ना, जब सिस्टम ही पेलो रहे तो कमीशन गठन को हम कैसे विश्वास करें? आप 1000 बार पेमा खांडू हर दिन में कमीशन गठन करो, लेकिन सिस्टम पेलो रहोगा ना, कोई भी भरोसा नहीं करेगा। और अभी आप मौका देने पर भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि कोई लोग चांदनी होटल में एग्जाम लिखेगा, कोई लोग रेंट घर में एग्जाम लिखेगा, हाँ कोई लोग का देख के पेपर देख के लिखने का बाद पास नहीं होता है, किसी का पास वाला मार्कशीट को ऊपर में इनक्लोज करके नाम को हटा के दिया जाता है आंसर शीट को, वही आदमी पिलोर करके रखा है। आप लोग तो ऑलरेडी देख रहे थे कि पीतल में जो रोड बनाता है किस प्रकार से बना, क्योंकि वो पेपर बिक्री करने का वजह से यही है। इसलिए हम लोग कमीशन को मौका देके भी पैदा नहीं है, वो करने से भी पहले से भी सिस्टम गड़बड़ काम करेगा, हम लोग ये विश्वास करते हैं।